हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पके हुए काफी फल से खीर कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी अष्टमी। आज अष्टमी है, हमारे अष्टमी का फास्ट रखा जाता है, इसलिए अष्टमी में आठे वाले दिन बहुत से लोग व्रत रहते हैं, जो काफी फल की खीर को व्रत में भी इस्तेमाल किया जाता है, व्रत में भी खाया जाता है, भी नहीं जाता व्रत में ही खाया जाता है। काफी फल की खीर बहुत टेस्टी बनती है, जब बिल्कुल रबड़ी जैसी बनती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। आज इसी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि इस तरीके से बनेगी। हमने पका हुआ काफी फल लिया है, हमने 200 ग्राम से पका हुआ काफी फल लिया है। इसकी केवल हम इसकी दो एक या दो कटोरी की खीर बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, इसकी हम आराम से दो कटोरी खीर बना सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से काट लेंगे, इसके छिलके को छील कर अलग निकाल देंगे, इसके बीज को अलग निकाल देंगे, केवल हमें इसके बीज का ये पार्ट चाहिए। हम इसके ये छिलके को निकाल देंगे, इस तरीके से हमें काट लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स कर लेंगे इसके। देखो हमने अपना सारा काफी फल काट लिया है, छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए हैं, अब हम इसे धोकर निकालेंगे। अब हम इसके इस पार्ट को थोड़े से पानी में उबालेंगे। अब हम इसको स्लो फ्लेम पर थोड़े से पानी में उबालने रख देंगे। गाइस पीछे की आवाज को इग्नोर करिएगा, मेरे बच्चे खेल रहे हैं। अब हम इसे उबालने के लिए रख देंगे, हमने उबालने के लिए इसे ढक देना है और थोड़ी देर कम से कम 10 मिनट के लिए इसे उबलने देना है स्लो फ्लेम पर। हाँ, काफी फल उबल के तैयार हो चुका है, अब हमें इसे छानना है, इसे ठंडा करके हाथों से इसका पानी निचोड़ कर निकालना है। हमने अपनी गैस की फ्लेम ऑन कर ली है, हमें काफी फल की खीर बनाने के लिए जो हमने काफी फल उबाला था उसको हमने ठंडा करके हाथ से उसका पानी निचोड़ के निकाल दिया है। ये उबलने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, निचोड़ने पर बिल्कुल हलवा जैसा हो जाएगा, हमें ऐसा ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमें इसे तलते समय इसको मैश करके बिल्कुल हलवे की तरह बना देना है। इसे तलने के लिए हमें देसी घी का यूज करना है। कढ़ाई में हमने देसी घी डाल लिया है, ये ज़्यादा नहीं, इस चम्मच से 2-2.5 चम्मच डाला के हिसाब से डाला है। अब देसी घी हल्का हल्का हो गया, हमें तलने के लिए काफी फल को डाल देंगे। काफी फल हमें इसमें जब तक तलना है जब तक इसी पानी की आवाज़ आना हल्की ना हो जाए और काफी फल लाल लाल सा हो जाए। काफी खीर ज़्यादातर लोग अपने बैठे खाते हैं, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। जो लोग ज़्यादातर एकादशी वाले दिन ही खाई जाती है, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावलों की खीर को अवॉइड किया जाता है, चावलों को नहीं खाया जाता है, इसलिए बहुत से लोग व्रत में एकादशी पर भी ये खाती हैं। इसका हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आप लोग कहें, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, तो मैं इसके हलवे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसे हमें हल्की फ्लेम पर ऐसे ही धीरे धीरे करके पकाना है। हमारा काफी बहुत हल्का करना शुरू हो गया है, देखो ये तलने के बाद और कम लगने लगा, तो और ज़्यादा तलता और भी कम लगने लगेगा। आप सोचो कि खीर ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी, खीर 2 कटोरी को लोगों के लिए आराम से बन जाएगी 2 कटोरी। हमें थोड़ी ही खीर बनानी है, अभी तो ये और तला जाएगा, तले में टाइम तो लगता है, लेकिन जितना अच्छे तलेगा, अच्छे से तल जाएगा, उतनी ही इसकी खीर में स्वाद होगा। काफी हमारा अच्छे से तल चुका है, ये देखिए और से आपको हल्का रेड रेड सा दिखाई देगा, ये थोड़ा सा और तला जाएगा। देखिए हमारे काफी बहुत अच्छे से कर चुका है, अब हमें इसमें दूध डालना है। दूध हमने अलग से उबाल के रख लिया था, अगर आप लोग दूध को उबाल कर नहीं डालें तो पहले काफी फल को निकालें, पहले दूध उबालें, फिर उसके बाद ही काफी फल को डालें, काफी फल को अगले दूध में ही डालें, नहीं तो आपकी खीर फट सकती है। अब हम इसमें दूध डालेंगे, मैंने अपने हिसाब से 2 गिलास के समथिंग दूध डाला है, आप भी अपने अंदाजे से दूध डालें। दो बड़े गिलास दूध डाला है मैंने, अब हमें इसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है जब तक इसमें एक और उबाल ना आ जाए। गैस की फ्लेम हाई कर देनी है, देखो हमारी खीर खदक खदक कैसी हो गई है, अभी इसे थोड़ी देर और खदकना होगा, इससे ये गाढ़ी हो जाएगी। अब दोस्तों अब इसमें हमें मेवा डालना है, हम जब खीर बन रही है तो मेवा की बात तो जरूरी आएगी, बिना मेवे के तो खीर अच्छी लगेगी नहीं, तो हमें इसमें थोड़ी सी मेवा भी डालनी है। तो हम मेवा के लिए लेंगे थोड़े से ये काजू बादाम है जो हमने काट के रख लिए हैं, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ गोला सूखा वाला गोला, ये थोड़े से मखाने हमने पीस लिए हैं जिससे खीर में थिकनेस आएगी, और ये थोड़े से मखाने हमने हाफ हाफ कट कर लिए हैं। हम ये सारी मेवा इसमें अब इस समय डाल देंगे, अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से खदकने देंगे।
दोस्तों हम इसमें थोड़े से केसर के दाने भी डालेंगे। कहते हैं पुराने टाइम से कहते आ रहे हैं कि केसर का स्वाद ही अलग होता है, तो हम उसी स्वाद के लिए इसका और खीर का थोड़ा स्वाद और बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी सी केसर और डाल देंगे। ज़्यादा नहीं, हम दो चार दानों से ही बहुत हो जाएगी ये केसर। बस हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। केसर का कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। हमारी खीर का कलर देखो कितना अच्छा आया है, ये देखने में ही इतनी यमी लग रही है। अब हमें इसमें चीनी डालनी है। हम इसे सबसे लास्ट में चीनी डालेंगे, सबसे पहले नहीं, सबसे लास्ट में। देखो हमारी खीर बनकर ऑलरेडी तैयार हो ही चुकी है। बस अभी इसमें थोड़ी सी थिकनेस आना और बाकी है और इसमें चीनी डालेंगे। उसे थोड़ी उसके बाद भी थोड़ी देर हमें ऐसे ही चलाते रहना है और इसमें चीनी डालेंगे। अब चीनी कुछ लोगों के यहाँ ज़्यादा खाई जाती है, ज़्यादा का मतलब कुछ तेज़ मीठा खाया जाता है, किसी के यहाँ कम मीठा खाया जाता है। तो आप चीनी अपने अनुसार ही डालें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप नहीं कि आपको मेरे हिसाब से ही चीनी डालनी है, तो मेरे हिसाब से मेरे मैं चम्मच के हिसाब से चीनी डालती हूँ अपने यहाँ। तो मैं 8 चम्मच भर के चीनी डालूंगी इसमें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इससे मेरी खीर खूब अच्छे से मीठी हो जाएगी। मैं ये इसमें डाल दूँगी। गैस की फ्लेम हाई कर लेनी है और अब इसे हमें चलाते रहना है। हमारी खीर में चीनी अच्छे से घुल चुकी है, गैस की फ्लेम हाई है। अब उसे बस 5 मिनट में ये खीर उतार लेनी है। देखो हमारी खीर का कलर कितना सुंदर आया है और बाकी में खीर देखने में ही इतनी यम्मी लग रही है, बस पूछो मत। देखो ये लग रही है ना बिल्कुल रबड़ी जैसी, ये बनती खाने में भी बिल्कुल रबड़ी जैसी ही लगती है। हमारी खीर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं गैस की फ्लेम ऑफ करनी है और अपनी प्लेटिंग शुरू कर देनी है। हाय फ्रेंड्स, देखो मेरी खीर कितनी यम्मी लग रही है, ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें और ये खीर अपने घर पे बनाएं, सबको खिलाएं, मुझे बताएं ये खीर कैसी बनी और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय, गुड नाइट।